उसके बाद है श्री बुलुचिक बराइक ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माल। श्रीमती शिखा चैटर्जी ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डाब ग्राम फुलबारी, उनका स्वागत कर रहे हैं एससी मंडल सीवी आरएमआरटीएच शॉल और बुके के साथ। फिर है श्री बुलू चेक बराइक ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माल। श्री कौशिक रॉय ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मैनागुड़ी। श्री गौतम देव मेयर सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद है श्री सौरभ चक्रवर्ती चेयरमैन सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका स्वागत कर रहे हैं एससी मंडल सीई आर ओ एम आर टी एच शॉल और बुके के साथ। और उसके बाद है मिस्टर नीरज जिंदा ऑनरेबल एमएलए दार्जिलिंग। और उसके बाद है डॉक्टर शंकर घोष ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सिलीगुड़ी। और अब मैं मंच पर आए हुए हमारे विशिष्ट डिग्निटरी से गुजारिश करूंगी कि आप मंच पर आकर मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन करें और इस कार्यक्रम को अपने आगे बढ़ाने की गति प्रदान करें। Thank you so much, all the dignitaries. I request you all to please take your seat. जी हाँ, अब हमारे बीच आ रहे हैं एक यंग डायनामिक और हमारे लोकल एमपी। आज के इन प्रोजेक्ट्स में उनका बहुत ही उनकी मेहनत और उनकी उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ मैं श्री राजू बिष्ट हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज डायस पे आके हम सबके बीच कुछ बोले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबके प्रिय अति आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का मैं सिलीगुड़ी तराई और डुवर्स की जनता की ओर से, दार्जिलिंग की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे जलपाईगुड़ी के सांसद हमारे साथी जयंतोदा का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब के मेयर सिलीगुड़ी के गौतम दाजी मैं आपका भी स्वागत करता हूं।
और साथ ही हमारे सभी विधायक गण, एसजेडीए के चेयरमैन, अन्य सभी अतिथिगण और खास करके सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तराई, डुवर्स की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज हम सब के लिए, विशेष करके दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, तराई, डुवर्स के लिए अपने आप में ये एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है दशकों के बाद, जो सिलीगुड़ी ठहरा हुआ था, अब इस कार्यक्रम के बाद, इस योजना के बाद सिलीगुड़ी अपने रफ्तार से दोबारा से दौड़ेगा। और मैं आपको ये वचन और ये मेरा वादा है, आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, एक ही शकल के दो व्यक्ति आपको ढूंढने से मिल सकता है, लेकिन दुनिया में आपको दूसरा दार्जिलिंग ढूंढे हुए भी नहीं मिलेगा। और ये वास्तविकता इस योजना के बाद आप सबको दिखने लगेगा। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हम सबके परम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमारे बीच मौजूद हैं, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का। मैं इतना तो आपसे कह सकता हूं कि मंत्री जी की स्पीड की वजह से और उनकी जो कुशलता है उसकी वजह से आज ये असंभव काम संभव हो रहा है। मैं पूरी पूरी दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की जनता की ओर से आपको मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं ये भी जानता हूं ये तो मात्र एक शुरुआत है, ऐसी तमाम योजनाएं हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं 10 साल के बाद सिलीगुड़ी दार्जिलिंग कुछ अलग होगा, 50,000 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस क्षेत्र में होगा। और मैं मंत्री जी के बारे में एक विशेष बात और भी जानता हूं, वो ये है जो वो कहते हैं वो तो करते ही है, जो नहीं कहते वो भी करते हैं, और जो कहते हैं उससे ज्यादा डिलीवरी भी करते हैं। बालासन से लेकर सेबो कैंट तक का 12 किलोमीटर की यह लंबी 4 और 6 लेन की एलिवेटेड रोड, जिसके अंदर में हम सब जानते हैं बालासन में एक जो है ब्रिज टूटा पड़ा हुआ है, अब आने वाले समय में उसके बराबर में 2 ब्रिज बनेंगे, दोनों 3-3 यानी 6 लेन के ब्रिज बनने वाला है। महानंदा के ऊपर, नदी के ऊपर में जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है उसके बराबर में एक और 3 लेन का ब्रिज बनेगा, 4 छोटी छोटी ब्रिजेस बनेंगी, सर्विस लेन साथ में होगा, एक आरओबी भी बनेगा, और यह अपने आप में एक इंजीनियरिंग का एक अनोखा मॉडल होगा। साथी मित्रों, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं आज इस मंच से ही जलपाईगुड़ी की जनता के लिए 2 आरओबी समर्पित हो रही है, ओदलाबारी और मैनागुड़ी में। मैं इस मंच से जलपाईगुड़ी की जनता को भी बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये एक सड़क है, इसके अलावा अन्य बहुत सारी योजनाएं, चाहे कोरोनेशन ब्रिज हो, 717A अल्टरनेटिव हाईवे कालिंपोंग के लिए करीब 50% बन चुका है, दार्जिलिंग के लिए अल्टरनेटिव हाईवे के लिए DPR के ऊपर काम चल रहा है, सिलीगुड़ी रिंग रोड के ऊपर में फिजिबिलिटी वर्कआउट हो रहा है, और फुलबारी से जहां से गौतम देव जी आते हैं फुलबारी से सिलीगुड़ी तक रोड बन रहा है। इतना ही नहीं, रेलवे का करीब 15,000 करोड़ का काम चल रहा है, और भविष्य में मिरिक भी रेल जाएगी और कालिंपोंग भी रेलवे जाएगी। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि बागडोगरा एयरपोर्ट एक बस स्टैंड में बदल गया है, रोजाना 35 फ्लाइट उतरती है और 35 चढ़ती है। आने वाले समय में मैं भारत सरकार, विशेष करते प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा, 1800 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हो चुका है, और एयरपोर्ट का टर्मिनल के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो चुका है, और जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इन सब योजनाओं के कारण सिलीगुड़ी की स्पीड बढ़ेगी। चिकन नेक क्षेत्र में जो बोटल नेक बना हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के दृष्टि से भी यहाँ की सुरक्षा और बढ़ेगी। यहाँ के हमारे विद्यार्थी, मरीज, आम व्यक्ति, व्यापारी, उन सबको जो रोजाना 2 घंटे ट्रैफिक में गुजारना पड़ता था, उस ट्रैफिक जाम से भी उनको मुक्ति मिलेगी, और यहाँ पे रोजगार के, युवाओं को लेकर के नए नए अवसर भी आप सबको मिलेंगे। अंत में मैं स्टेट के मुख्यमंत्री से लेकर के हमारे NHAI रोड मिनिस्ट्री के तमाम ऑफिशियल्स का भी बहुत
बधाई और धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैंने पहली बार देखा, ऐसा कम देखने को मिलता है कि सरकारी कर्मचारी एक पैर पे खड़ा होकर 24 घंटे किसी मैदान में खड़े होकर काम करे। ऐसा NHI और रोड ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स ने भी करके दिखाया, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। और अंत में मैं एक बार फिर हमारे सबके परम आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप स्वयं चल करके आए और इतना बड़ा सौगात आपने सिलीगुड़ी की जनता को दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे श्री राजू बिष्ट के लिए, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, जिन्होंने बहुत ही हमारे आज के इस विशेष तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के ऊपर जो उन्होंने बताया है, और हमारी जनता के लिए आने वाले समय पर बहुत ही सुंदर और सुविधाएं जो ये जो इन्होंने तोहफा जो प्रस्तुत किया है आज सिलीगुड़ी वासियों के लिए, डुअर्स वासियों के लिए, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हम लोग आज हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण के लिए, तो सबसे पहले उदलाबाड़ी में जो ROB का लोकार्पण है, NH 31 न्यू NH 17 में जो लागत है 102 करोड़ का, और मैनागुरी में ROB का लोकार्पण NH 31 न्यू NH 717 का लागत में 109 करोड़ का जो यहाँ पे आज उसका लोकार्पण होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी जी से कि वो मंच के सामने आए और उसका लोकार्पण करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब शिव मंदिर बालासन नदी से सेवक सेना कैंटोनमेंट तक 4x6 लेन की जो सड़क का शिलान्यास जो है वो NH 31 न्यू NH 10 की जो 12 किलोमीटर लंबाई और उसका वीडियो चलेगा ना, हाँ, 995 करोड़ की जो लागत का एक संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है आप सबके सामने। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमिक प्रोग्रेस के विजन को साकार करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उत्तरी पश्चिम बंगाल के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें प्रमुख हैं गोरखपुर दिल्ली सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को सिलीगुड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों से सीधा जोड़ेगा। इसी के साथ अलीगढ़ दामदिन हाईवे और सिलीगुड़ी कालिम्पोंग हाईवे। आज सिलीगुड़ी जो नैसर्गिक सुंदरता को अपने आप में संजोए उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार माना जाता है के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि माननीय नितिन गडकरी जी ने 1206 करोड़ रुपए की लागत से तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। NH 31 उदलाबाड़ी में 4 लेन ROB सहित पहुंच पथ और मैनागुड़ी में 4 लेन ROB सहित पहुंच पथ के लोकार्पण से रेलवे क्रॉसिंग पर और शहर में होने वाले जाम से निजात मिलेगी, और साथ ही दार्जिलिंग और उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आज NH 31 पर शिव मंदिर के पास सेवक आर्मी कंटोनमेंट तक 12 किलोमीटर लंबी 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2 एलिवेटेड कॉरिडोर, 2 बड़े पुल, 2 छोटे पुल, 6 अंडरपास और 1 ROB होंगे। 7 ब्लैक स्पॉट्स का रीअलाइनमेंट भी किया जाएगा।
इस मार्ग से उत्तर पूर्वी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति को बल मिलेगा। इस मार्ग के पूर्ण होने से देशी और विदेशी पर्यटक दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, तराई और डुवर्स की यात्रा अपनी गाड़ियों में आसानी से कर पाएंगे, जिससे उत्तर पूर्वी राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इनसे कृषि उपज और स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बड़े बाजारों तक पहुंचने में आसानी होगी, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति होगी और रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। ये परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते हुए सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों के प्रगति और विकास का नया अध्याय लिखेंगी। जी हाँ, ये तीन नए प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ इस सिलीगुड़ी और डुवर्स और हमारे हिल्स को जो कनेक्टिविटी और रोड की जो समस्या है उसको दूर करेगा। और अब मैं बोलना चाहूंगी कि उन्होंने हमेशा अपने स्पीच पे एक बहुत ही प्यारी सी कोट जो हमेशा वो कोट करते हैं, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के वर्ड्स में, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और ये कोट से इसके साथ वो ये बोलना चाहते हैं कि अ गुड रोड नेटवर्क ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री। और ये एनएच प्रोजेक्ट जो यहाँ पे नितिन गडकरी जी लेके आ रहे हैं और बाकी के हमारे जितने भी डिग्निटरीज जो इस एनएच प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो डेफिनेटली एक नई प्रॉस्पेरिटी हमारे सिलीगुड़ी शहर वासियों के लिए, हमारे डुवर्स वासियों के लिए, हमारे पहाड़ के जितने भी लोग हैं, दार्जिलिंग कालिम्पोंग वासियों के लिए एक बहुत ही नया अपॉर्चुनिटी और प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं Honorable Minister of Road and Transport Highways, Government of India, श्री नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो डायस में आके हम सब के बीच कुछ वर्ड्स बोले। लोकसभा में, संसद में मेरे सहयोगी राजू बिष्ट जी, दूसरे मेरे पार्लियामेंट के सहयोगी जयंत रॉय जी, श्री अनंतमय बर्मन जी एमएलए, श्रीमती शिखा चटर्जी एमएलए, श्री नीरज झिम्बा जी एमएलए, आदरणीय मेयर श्री गौतम देव जी, श्री सौरव सरकार जी, डॉक्टर शंकर घोष जी, उपस्थित मंच पर सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, बहुत दिनों के बाद सिलीगुड़ी में आपसे मिलने का अवसर मुझे मिला है। काफी दिन पहले मैं यहां आया था और आज मुझे खुशी हो रही है कि 12 से 6 करोड़ रुपए की लागत से शिव मंदिर से सेवाओं के तक 4 से 6 लेन के मार्ग का निर्माण किया कार्य इसका आज भूमि पूजन हो रहा है। ये कार्य दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इसमें 5.12 किलोमीटर 6 लेन सड़क है, 3.6 किलोमीटर 4 लेन सड़क है और 3.7 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड है। महानंदा ब्रिज के बगल में 210 मीटर का नया ब्रिज का भी निर्माण हो रहा है और इसी मार्ग में 2 ROB, 4 VUP, 2 LVUP, 2 बड़े पुल और 2 छोटे पुल के अलावा सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि यह बनने से आप सबका जीवन बहुत सुसह्य होगा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। इस मार्ग में 7 जगह ऐसी है
जहां बार बार एक्सीडेंट होते थे, ब्लैक स्पॉट है, उसको भी सुधार किया जाएगा। और सिलीगुड़ी में अभी ट्रैफिक जाम के कारण आपको 2 घंटे का समय लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस रोड बनने से आप केवल 10 मिनट में ये सफर तय कर पाओगे और आपका समय बचेगा। इस मार्ग के निर्माण से दार्जिलिंग से सिक्किम, भूटान आने जाने का भी समय काफी बचने वाला है। ये टूरिस्ट स्पॉट है और अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो टूरिस्ट बड़े प्रमाण पर आएंगे, और टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ के नौजवान लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्दलबाड़ी में जो आरओबी है उसका आज लोकार्पण हो रहा है। दार्जिलिंग से उद्दलबाड़ी में NH-31 पर 102 करोड़ की लागत से 2-लेन ट्वीन आरओबी का निर्माण कराया गया है और इस आरओबी से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मैनागुड़ी में भी आरओबी का निर्माण पूरा हुआ है। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी इसमें 109 करोड़ की लागत से आरओबी निर्माण कराया गया है। इसकी तकनीकी जांच की जा रही है और 15 दिसंबर 2022 से आरओबी ट्रैफिक को आने जाने के लिए शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सेवक आर्मी कंटोनमेंट के कोरोगेशन ब्रिज का निर्माण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर से कोरोनेशन ब्रिज तक 1800 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर 4-लेन मार्ग का हम निर्माण करेंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूं। इसका DPR चल रहा है और DPR मिलने के बाद ही 2023 की शुरुआत में इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। तीस्ता नदी पर नए ब्रिज का निर्माण करने की मांग ये भी हमारे दोनों सांसदों ने मेरे पास की थी। कोरोनेशन ब्रिज के बगल में तीस्ता नदी पर 1100 करोड़ की लागत से 6.4 किलोमीटर 4-लेन नए ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और जिसका DPR की शुरुआत की गई है। ये कोरोनेशन ब्रिज का निर्माण 1941 में किया गया था। पुराने ब्रिज का परीक्षण करने के बाद 2020 में भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। जनवरी 2023 में पुराने ब्रिज की मरम्मत का भी काम शुरू कराया जा रहा है और नया ब्रिज बनने से सिक्किम, भूटान से आने जाने वाले वाहनों के लिए आवागमन भी सुगम हो जाएगा। कोरोनेशन ब्रिज से सालसबारी तक का निर्माण, कोरोनेशन ब्रिज से चालसा होकर सालसबारी तक शायद आप उम्मीद नहीं करोगे पर 5200 करोड़ रुपए की लागत से 260 किलोमीटर 4-लेन सड़क के निर्माण का DPR का कार्य शुरू हुआ है और 2023 में जनवरी मार्च तक उसके कार्य का भी शुभारंभ हम करेंगे। सालसबारी से फलाकाटा ये NH-31D तक 1130 करोड़ की लागत से 42 किलोमीटर की 4-लेन सड़क का निर्माण का काम जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। फलकता से धूपगुड़ी तक निर्माण का NH-31D तक 1030 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का 4-लेन सड़क का निर्माण का काम मार्च 2023 में अवार्ड हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2002 का है जिसमें कई तरह की दिक्कतें थी, अब उनका समाधान निकाल दिया गया है। धूपगुड़ी से घोषपुकुर तक निर्माण NH-31D पर 1133 करोड़ की लागत से 83 किलोमीटर 4-लेन सड़क का निर्माण का कार्य जुलाई 2021 में हो गया है और इस मार्ग में बनने वाले आरओबी का काम जून 2023 में पूरा हो जाएगा। घोषपुकुर से बागडोगरा तक का निर्माण ये 255 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर के 4-लेन मार्ग का निर्माण का कार्य 2023 में हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे दोनों सांसदों ने लगातार
इन सब समस्याओं का जिक्र मेरे से किया है और उन्हीं के अनुरोध पर यह काम आज पूरा हो रहा है। हमारे राजन बिष्ट जी ने मुझे मांग की थी वो सिलीगुड़ी के रिंग रोड की, और आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि 80 किलोमीटर के लंबाई के रिंग रोड को जो 3,000 करोड़ का है उसको मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं, 2023 में यह काम शुरू हो जाएगा। सिलीगुड़ी से फुलबारी 750 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण भी होगा। तीस्ता बाजार से चालसा तक भी काम होगा और बहुत से काम हैं। बंगाल में एक्सप्रेस हाईवे का भी निर्माण कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये सब काम से यहाँ तरक्की होगी। मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गड़े जा रहे हैं नए तरक्की की मूरत है, देखो कितनी बदल गई भारत की सूरत है। फिर भी अभी करने को बहुत कुछ बाकी है, देश को 10-20 नितिन गडकरी की जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।